सज्जनों नमस्कार। चलिए सज्जनों, आज आपको बारिश का आनंद दिलाते हैं। ये देखिए रेन लिली है हमारे पास, येलो और ये पिंक है, दो तरह का है, और इनका प्रोपोगेशन बहुत आराम से हो जाता है। और इसमें एक वाइट भी आता है, एक हल्का सा ब्लू भी आता है। चलिए उनका भी कलेक्शन किया जाएगा। और देखिए इनको आराम से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं इस सीजन में। ये इनके कंद हैं, इन कंदों को आप निकाल लीजिए और इनको आप रोपित कर दीजिए, किसी भी गमले में, क्यारी में, कहीं भी रोपित कर दीजिए। और इनमें आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि किस दिन इनमें फूल आता है। अचानक आपको लगेगा कि देखिए सुंदर फूल निकला है, ये फूल आज ही निकले हैं, ये येलो वाला आज ही निकला है। तो मैंने कहा चलिए भाई आप सबको शेयर किया जाए, जिससे आप इनका संरक्षण भी कर सकें और उनको लगा भी सकें और आनंद ले सकें। बारिश के साथ साथ और रेन लिली का भी आनंद जब मिलता है तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। तो चलिए साहब इनको लगाइए, और बस ध्यान ये रखिए कि इसके जो मीडिया बनाएं उसमें सेंट थोड़ा मिलाएं, और जो है इसके प्रोपोगेशन में बस ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें, पानी ना रुक पाए। पानी अगर रुका तो इसके कंद फिर गल जाते हैं। और बस लगा के आप साल भर के लिए छोड़ दीजिए, अगले साल फिर इसका वो करिए। बस बीच में पानी का संतुलन बना के रखिए, पानी के संतुलन से वो गल जाते हैं कंद, फिर समापन हो जाता है इनका। तो बस थोड़ी सी सुरक्षा के साथ और आनंद लेते रहिए हमेशा, अगले साल से अगले साल। ये तो पिंक वाला हमारे पास कम से कम 3-4 साल से इसी गमले में लगा है, और मैं इसी से प्रोपोगेट कर लेता हूँ इसी तरह से आगे, और कई लोगों को मैं दे भी चुका हूँ। और जो है ये देखिए ये येलो वाला भाई, ये पहली बार ही हमारे इधर खिला है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब भी करिए और सभी को जानकारी भी दीजिए, सभी लोग लगाएं, हाँ, और प्रकृति का संरक्षण भी करते रहें। चलिए जुड़े रहिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।